ये है चरखा, यहाँ पर बनते हैं मिट्टी के बर्तन। तो आइए आपको दिखाएंगे कैसे बनते हैं मिट्टी के बर्तन, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। हाय गाइस, नमस्कार, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे हैं। आज के ब्लॉग में एक स्पेशल ब्लॉग होने वाला, ऐसा ब्लॉग आपने अभी तक यूट्यूब चैनल पर नहीं देखा होगा। इस ब्लॉग में दिखाएंगे कि मिट्टी के बर्तन कैसे बनते हैं। जैसा कि आपको पता है, मैं अभी हूँ कुदरकोट गाँव में, जहाँ पर भगवान कृष्ण की ससुराल थी उसी गाँव में है, और मुझे यहाँ पर चरखा चलते हुए दिखा तो मैं यहाँ पर रुक गया हूँ। तो पूरा ब्लॉग एक आएगा, 3 से 4 मिनट का ब्लॉग होगा, आप देखिएगा। और ब्लॉग कैसा लगे जरूर कमेंट करके बताना, और यहाँ के जो भाई लोग हैं तो उनसे बात भी करेंगे। तो चलिएगा वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिएगा चरखा है जो कि अभी घूम रहा है, और ये भैया हैं। भैया जी, आपका नाम क्या है? सुनील प्रजापति। सुनील प्रजापति, जिनको हम कहते हैं कई बार कि बर्तनों बनाने वाले जो लोग होते हैं वो। आज देखिएगा, हम आपको लाइव दिखाते हैं कि जो प्रजापति समान से लोग आते हैं वो मिट्टी के बर्तन कैसे बनाते हैं। देखिएगा चरखा को इस तरीके से घुमाया जाता है। ये देखिएगा काफ़ी स्पीड से चरखा चल रहा है भाई एकदम से, और बहुत ही मज़ा आ रहा है यार एकदम से। आप लोग जरूर बताइए कमेंट करके कि आपने इस तरीके से बर्तन बनते हुए कब देखा था। और मैंने तो है पहली बार देखा है। देखिएगा मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिएगा दिया बन रहा है जो अभी दिवाली का समय चल रहा है। ये देखिएगा, ये देखिएगा एक प्यारी सी दिवलिया बनके तैयार हो चुकी है एकदम से। और इसको अभी मिट्टी का बर्तन है, ये देखिए इसको उठा लिया भाई ने। और ये देखिएगा यार भाई, इसको कहते हैं कारीगरी। देखिए कैसे बनती है, देखिएगा ये हाथ का खेल है और मिट्टी का बर्तन है देखिएगा। और भाई यहाँ पर सब कुछ बना, देखिए कुछ भी नहीं, नहीं कोई भाई ना कोई मशीन है ना कुछ है यार, भाई बिल्कुल एकदम से आसानी से बन के तैयार हो जाती है, और काफ़ी अच्छा रहता है देखिएगा। और अभी भाई फिर बना रहे हैं, दो दिवलियाँ बन चुकी हैं हमारे सामने यार भाई, हम तो कुछ समझ नहीं पाते हैं तब तक बन के तैयार हो जाती है एकदम से। और ये आपको दिखाते हैं मिट्टी, ये मिट्टी इसमें से मिलाते हैं क्या? इसमें कुछ नहीं मिलाते हैं, मारते हैं आटा, जैसे आटा मारते हैं रोटी बनाने के लिए उसी तरीके से आटा जो मारते हैं वो काफी चिकना हो जाता है। अच्छा, जो मिट्टी वही होती है जो चिका मिट्टी हम लोग कहते हैं तालाब वगैरह से मिलती है, वही वाली होती है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग देखिएगा आ चुके हैं देखने के लिए कि क्या नया काम हो रहा है। ये तो यहीं के हैं पर ये देख रहे हैं कि हम जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको देखने का पूरा देखिएगा, सब लोग हंस रहे हैं। आप लोग फेमस हो जाएंगे, ठीक है? नहीं, कभी कभी किस्मत हो जाती है। एक वीडियो आपने देखा होगा वायरल भाभी करके विदुना का, ठीक है? तो वो तो अपनी आंख चला के ही वायरल हो गई थी। चुकरिया चुकरुआ जो को कहा जाता है, मटका जैसे बोल सकते हैं, मिनी मटका जिसको बोलते हैं। ये देखिएगा बन रहा है भाई एकदम से, ये देखिए भाई छोटी सी गोलक बनाने जा रहे, ठीक है? छोटी सी गोलक है ये, देखिए छोटी सी गोलक है, मिनी गोलक जिसमें बच्चे छोटे छोटे पैसा रखते हैं, वही वाली गोलक भाई बना के दिखा रहे हैं। और आप लोग सच में कमेंट जरूर करना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, क्योंकि इसको बनाने के लिए भाई से रिक्वेस्ट किया, भाई चरखा बंद कर दिए थे फिर बनाए हैं, दोबारा चालू किए हैं। और देखिएगा, और ये देखिए भाई लगभग में बनके, लगभग में बनके तैयार हो गई है, अभी कुछ ही देर में एकदम से तैयार हो जाएगी। और भाई लीजिए भाई, देखिए गोलक बनके तैयार हो चुकी है हमारी गुल्लक, ये देखिएगा ये है गुल्लक हमारी, ये छोटी गोलक, अब तो बड़ी बन गई है। अब ये देखिए छोटी सी गोलक है भाई बिल्कुल एकदम से, कितनी प्यारी है भाई। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसी लगी ये वाली गोलक। बस और मार, अब देखिए अभी मिनी गोलक आई थी, अब ये एक बड़ी सी गोलक आ रही है, काफी बड़ी गोलक है भाई। जो बड़ी गोलक बना रही है कितने की बिकती होगी मार्केट में? 20, 30, 40,
बीस 40 की। ये देखिए भाई ने गोलक को बना दिया, बड़ी गोलक बन रही है ये। ये देखिएगा थोड़ा सा भाई वीडियो बड़ा हो रहा है, 3 से 4 मिनट का कहा था, 5 मिनट का वीडियो लगभग होने वाला है, कोई बात नहीं। लेकिन भाई मज़ा एकदम से आ रहा है। आपने बहुत सारे हमारे साथी जो हैं सब्सक्राइबर लोग सीखने वाले, वो सीख भी सकते हैं इससे कैसे बनता है। और ये इनका पैतृक बिजनेस है, अभी इसमें से ये छेद कर देंगे जहाँ से पैसे डाले जाते हैं। और ये देखिएगा ऊपर इन्होंने बंद भी कर दिया है, अंदर पूरा एकदम से गोलक है, पोला है, एकदम से जगह है। और ये देखिए धागे से इसको काट दिया है और ये उठा लिया। चलिएगा फ्रेंड्स, इस वीडियो को भी समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरीके से ब्लॉग लाता रहता हूँ। फिर मिलेंगे कि नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।